अब हम बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की, इसमें कैसे सॉल्व करते हैं इसको। वो देखिए, हम जानते हैं कि हमारी तीन श्रेणियां हैं, एक व्यक्तिगत व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी है खंडित श्रेणी और तीसरी है सतत श्रेणी। हम तीनों में कैसे कैलकुलेशन होती है मध्य करके उसकी बात करेंगे। समझिए, एक बार देखिए इसके कुछ स्टेप होते हैं और स्टेप क्या है उसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही, अवरोही क्रम में मूल्यों को जमाते हैं या मूल्यों को रखते हैं। अवरोही क्रम में लिखते हैं मूल्यों को, तो आरोही या अवरोही क्रम में मूल्यों को लिखा जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है हमारा n प्लस वन अपॉन ट्रूथ आइटम, सॉरी यानी कि साइज ऑफ n प्लस वन अपॉन टू आइटम। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास जितने भी n है उसके अंदर जब एक जोड़ दें और जोड़ने के बाद उसको दो से डिवाइड कर दें, जितने भी नंबर्स हैं जितने भी मूल्य हैं उनमें एक जोड़ दें और दो से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो वैल्यू जो हमें पता चलेगा उस क्रम का पता लग जाएगा कि वो व्यक्ति कौन सा व्यक्ति होगा। यानी कि जैसे अभी हमने देखा था एग्जाम्पल में कि पांचवा व्यक्ति, और पांचवा व्यक्ति में उस व्यक्ति का नाम क्या है वो हमें पता लग जाएगा। तो ऐसे कोई से मूल्य होंगे तो सबसे पहले हम उनको क्रम प्रदान करेंगे आरोही अवरोही, और उसके बाद में इससे पता लगाएंगे कि वो स्थिति कौन सी है और उस स्थिति पर कौन सा मूल्य, उसकी क्या विशेषता है, वही हमारा मध्य का मूल्य होगा। देखिए, एक तो ये स्टेप हुआ। अब मान लीजिए यदि हमारे पास n, जो n है वो विषम नंबर में हो, विषम संख्या में हो, विषम संख्या यानी कि ऑड हो, तो मैं इसी में आपको ये दूसरा स्टेप, एक और एक स्टेप बताता हूं। आप देखिए, विषम संख्या होने पर तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम जानते हैं कि किसी भी विषम नंबर में यदि एक जोड़ा जाता है तो वो सम नंबर हो जाता है और उसमें दो का भाग पूरा पूरा चले जाता है, तो यानी कि विषम नंबर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, तो सॉरी, विषम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, ये बात हमें क्लियर हो गई कि यदि हम किसी भी विषम संख्या में, हम जानते हैं किसी भी विषम संख्या में ये क्या है, सब विषम संख्याएं हैं, यदि इनमें मैं एक प्लस कर दूं तो ये नंबर क्या बन जाएंगे, कुछ सम नंबर बन जाएंगे। अगर इसमें भी प्लस करता हूं, इसमें भी और इसमें भी प्लस करता हूं, तो मुझे पता है कि ये कुछ नंबर क्या बन जाएंगे, सम नंबर हो जाएंगे और इनमें दो का भाग पूरी पूरी तरह से चला जाएगा। और जब दो का भाग पूरी तरह से चला जाएगा तो हमें स्थिति पता लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हाँ भाई चौथे नंबर का व्यक्ति है, पांचवें नंबर का व्यक्ति है या आठवें नंबर का व्यक्ति है, हम उसको बिल्कुल पॉइंट कर देंगे कि हाँ ये व्यक्ति है। लेकिन यदि कोई नंबर्स जो हैं वो सम नंबर हों, सम संख्याएं हों, यानी कि सम संख्या होने पर, मतलब यानी कि जो n है, ये जो n है यदि ये सम नंबर हों, यानी कि 10 व्यक्ति हों, 12 व्यक्ति हों, 8 हों, 6 हों, 4 हों, तब हम यदि इस फॉर्मूले को, यानी कि इसको अगर यूज करेंगे और यानी कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसमें एक जोड़ेंगे, यानी कि n प्लस वन, यानी कि 10 है, 10 में एक जोड़ेंगे और दो से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स में, यानी कि पूरा पूरा भाग नहीं जाता और कुछ नंबर प्राप्त होगा, वो होगा पॉइंट में। यानी कि देखा जाए कि अगर मान लो ये 10 है तो 10 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5.5, यानी कि पॉइंट में हमें प्राप्त होगा। तो हमारा एक स्टेप और बढ़ जाता है, उसको समझते हैं हम। तो देखिए, सम
सम नंबर होने पर क्या करेंगे हम? सबसे पहला स्टेप वही है हमारे पास कि आरोही या अवरोही क्रम प्रदान करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा साइज ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू आइटम, यानी कौन सा आइटम होगा, यानी कि एन में वन जोड़कर दो से डिवाइड करेंगे, उस जो होगा नंबर वो है हमारा मध्य का होगा, मध्य का मूल्य होगा। अब हमें पता लग गया कि सम है, तो सम यदि संख्या होगी कोई और उसमें एक जोड़ेंगे तो हमको मालूम है कि उसमें पूरा भाग नहीं जाएगा, तो जो भी अभी हमें प्राप्त होगा, जैसे वही सपोज करते हैं कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5। तो हमारा एक स्टेप बढ़ता है, आप ध्यान से देखें, तब मैं बोलूंगा कि साइज ऑफ आइटम, यानी कि पांचवा और छठे नंबर के आइटम को लेना है हमारे, यानी कि साइज ऑफ फिफ्थ आइटम प्लस साइज ऑफ डैश 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 आइटम, यानी कि फिफ्थ और सिक्स्थ, जैसा कि ये है। अगर ये 5.1 हो तब भी हमें 5 और आगे वाला लेना है, 5.9 हो तब भी हमें 5 प्लस आगे वाला, यानी कि सिक्स नंबर की का मूल्य ही लेना है, उन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। अब ये 6 पॉइंट भी हो सकता है, 7 पॉइंट में, यानी कोई भी नंबर हो, यानी कि लेकिन पॉइंट में हो, तो वो नंबर प्लस उसके आगे वाले नंबर को लेना है और उन दोनों को जोड़कर दो से डिवाइड करना है, वो हमारा क्या कहलाएगा, मध्य का कहलाएगा, ये मीडियन कहलाएगा। तो आपने देखा कि व्यक्तिगत श्रेणी में दो तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक तो जब हमारे पास विषम नंबर होंगे और एक बार सम नंबर की बात कर सकते हैं। यदि विषम नंबर होते हैं तो दो स्टेप में काम खत्म हो जाता है, यानी कि हमारे को पता लग जाएगा कि मध्य का मूल्य क्या है। पहला स्टेप आरोही क्रम में जमाएंगे, अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट हम n+1 बाई 2 करेंगे और जो भी होगा उसके सामने के मूल्य को हम मध्य का मूल्य कह देंगे। यदि सम संख्याएं होंगी तो हम जानते हैं कि हमारा जो आइटम, हमें जो स्थिति पता लगेगी वो स्थिति पॉइंट में पता लगेगी, इसलिए हम वो वैल्यू प्लस उसके आगे वाली वैल्यू दोनों को जोड़ेंगे और दो से डिवाइड करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा मध्य का मूल्य। धन्यवाद।